Let's go across to where Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is speaking. ये करते हैं, लेकिन किस्मत से एक भी नहीं टूटा और आज चुनाव हुए, चुनाव होने थे, चुनाव हुए। कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद इन लोगों ने जो बदमाशी की, हम सब देखते हैं कि चुनाव तो हुआ आज, लेकिन जब चुनाव की वोटों की गिनती होती है, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो चाहे देश का चुनाव हो, गिनती के वक्त हर पार्टी का एजेंट वहां बैठा होता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से गिनती होती है, सबके सामने वोटों को ऐड वो किया जाता है, वोट मशीन खोली जाती है, मशीन का नंबर बताया जाता है, दिखाया जाता है, उसके बाद वोट जब उसको टोटल किया जाता है, मशीन का दिखाया जाता है भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले, सब कुछ दिखाया जाता है, और सारी पार्टियों के एजेंट बाकायदा अच्छे से देखते हैं। यहां भी प्रोसीजर ये था, कानून में ये था कि हर पार्टी का एजेंट वहां बैठेगा, और पार्टी का एजेंट को, जैसे दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी के मेयर का चुनाव हुआ, वो भी बैलेट पेपर से होता है, तो वो सारे एजेंट बैठते हैं, एक एक वोट बकायदा सभी एजेंट्स को दिखाए जाते हैं। अगर किसी एजेंट को कोई आपत्ति करनी हो, भाई ये वोट इनवैलिड है, तो वो सबको दिखाया जाता है। अगर कोई एजेंट कहता है ये वोट इनवैलिड है, सबको दिखाया जाता है, सब उस पर अपने अपने तर्क देते हैं, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी उस पर रूलिंग देता है, एक तरह से क्वासी जुडिशियल वो करता है कि उस पर रूलिंग देता है। इन महाशय ने, जो इनके पदाधिकारी बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया, इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए, और बकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब दो टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा, वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं और फिर नीचे साइन कर रहे हैं, कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं, वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े, 20 में से 8 वोट जो हमारे थे वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए, यानी कि 36 में से 8 वोट, मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो हमारा एक वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था, तो ऐसा तो नहीं कि हमारे वालों को वोट डालना नहीं आता, वोट तो डालना आता है, पिछली बार भी डाला था, इस बार भी डाला है, इस बार कैसे ऐसा हो गया कि सारे वोट डालना भूल गए हमारे वाले, सारे वोट इनवैलिड हो गए? तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है, किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चुनाव के पहले कल ऑर्डर जारी करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया की एंट्री बैन कर दी, तो इसका मतलब नियत तो शुरू से ही खराब थी, प्लान तो, षड्यंत्र तो पहले से ही बना रखा था इन लोगों ने कि गड़बड़ करनी है। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई, 36 में से 8 वोट इनवैलिड, मतलब 25% वोट, अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग, और 25% क्या, अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब, तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़, मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे फिर, ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो ये देश के लिए जो आज दिखा, पूरे देश के अंदर, पूरे देश ने देखा, सारे मीडिया ने चलाया, ये बहुत खतरनाक है, और हम सब लोगों को, जो जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, हम सब लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना है और इन सबको रोकना है।
ये सारे जो आसार दिखाई दे रहे हैं ये इसी तरफ इंगित करते हैं कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर कुछ तो गड़बड़ है। अगर एक 10x10 किलोमीटर का छोटा सा शहर चंडीगढ़, उस चंडीगढ़ के छोटे से शहर के अंदर एक छोटे से मेयर का चुनाव, उसके अंदर अगर ये इस किस्म तक, इस हद तक गिर सकते हैं, तो बड़े चुनाव के लिए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं लोग। देखिए अभी जो कई सारे मैंने देखे हैं वीडियोस, कई सारे, उसके ऊपर एक दिन अलग से चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को लेकर आगे भविष्य में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा चल रही है और आप भी लोकसभा, चर्चा अच्छी चल रही है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हमारे भी कुछ ना कुछ नतीजे आएंगे। कई राउंड ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं। सर, इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं से, खासकर कांग्रेस के लीडर से क्या आपकी बात हुई है? क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पवन बंसल थे, अभी बैठे थे, तो जो भी करने की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। आज मेरा मकसद, चंडीगढ़ का मेयर इंपॉर्टेंट नहीं है देश के लिए। चंडीगढ़ का मेयर आम आदमी पार्टी का बने, इसका बने, उसका बने, इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इंपॉर्टेंट है जो लोग गुंडागर्दी करके चुनाव जीतेंगे वो गुंडागर्दी का ही प्रशासन लेके आएंगे, वो आपके शहर में गुंडागर्दी ही मचवाएंगे। जो ईमानदारी से वोट जीतेंगे, ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे, वो शासन में ईमानदारी लेके आएंगे। आज इन्होंने जिस तरह से सरेआम गुंडागर्दी, अरे वोट, आपके वोट, जो वो अधिकारी है प्रेजाइडिंग ऑफिसर, उसके खिलाफ तो फोर्जरी का, फ्रॉड का, सेडिशन का मुकदमे चलने चाहिए। नॉन पेलेबल ऑफेंस है, उसने फ्रॉड करके सबके वोट बदल दिए उसने, ये कैसे परमिसेबल है? जनतंत्र तो सुप्रीम है, वोट तो एक तरह से बहुत सैक्रोसेंक्ट है, किसी का भी वोट। आपने काउंसलर्स के वोट बदल दिए, काउंसलर्स के वोट पे टिक मार्क करते जा रहे हो और साइन करते जा रहे हो, टिक मार्क करते, ये क्या है? सरेआम गुंडागर्दी, ना वोट को मानते, ना किसी प्रोसेस को मानते, ना कानून को मानते, ना संविधान को मानते। सर, बिहार से लेके झारखंड तक ईडी कार्रवाई कर